الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علماء امتي كانبياء بني اسرائيل صدق الله وصدق الرسول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدل الجود والكرم وعلى اله وصحبه اجمعين ایک طویل عرصے کے بعد ان مقدس چہروں کی زیارت کا شرف اور آپ سے ہم کلامی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیست کے آخری لمحے تک عشق و محبت میں سرشار رکھے اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ محبت و اکرام سے مالا مال فرمائے. تھوڑی دیر کی توجہ کا طالب ہوں. جمع سال عالم دین ریاست تلنگانہ کی ایک ایسی شخصیت جو زمانہ مستقبل میں اہل سنت کی امیدگاہ ہے. بڑی پیاری عالمانہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مجدد اعظم جس کی بارگاہ میں اکابرین امت نے نذرانے عقیدت پیش کیا, جن کی ستوت علمی کے آگے بڑے بڑے صاحبان فضل نے کلاہ افتخار کو جھکایا, جسے عالم اسلام نے آیت من آیات اللہ کہہ کے یاد کیا, جسے اہل انصاف نے معجزات من معجزات النبی من معجزات الرسول کہہ کے یاد کیا, جو بلا شبہ غوث اعظم کی کرامت اور خواجہ اجمیری کی امانت تھا, جسے اہل انصاف کاروان عشق رسالت کا سالار, قافلہ محبت کا جسے امیر تسلیم کرتے ہیں, اس امام کی بارگاہ میں میں بھی کچھ نظر عقیدت کے پھول لایا ہوں پیش کروں گا. مگر آئیے اس سے پہلے بارگاہ نبوت و رسالت میں
नजराने अकीदत के कुछ अशार समाप्त कर लें। जिंदगी की तवानाइयों और इश्क की जौलानियों के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम सलातों व सलाम अलैक या हबीबी या सैयदी या रसूल अल्लाह। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। सरे सरकार हो जाए। निगाहें मुंतजर रह जाए और दीदार हो जाए। पूरे जलसे का एक जिंदा दिला दिलाही है, बल्कि शहर निजामाबाद की यही आवाज़ है। अल्लाह इस दीवाने को सलामत रखे। कम से कम बच्चों के सिस्टियों ने तो बता दिया कि खैमे में कोई रूह पहुंच जाए, वरना सन्नाटा ये कह रहा है कि डाकुओं ने सब लूट लिया है। अगर ये बच्चा भी बुल्गारिया न मारे तो एहसास हयात बाकी न रहे। सरे महे इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहें मुंतजर रह जाए और दीदार हो जाए। निगाहें मुंतजर रह जाए और दीदार हो जाए। अगर आना तेरा इस बज़्म में एक बार हो जाए, एक नजर ठहरे हमें दीदार हो जाए। तुम्हारी एक नजर ठहरे हमें दीदार हो जाए और तजस्स हर शैयों नजर जमाता। तजस्स में तेरी हर शैयों नजर जमाता। शय में तेरा दीदार हो जाए, न जाने कौन सी शय में
गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने। यही हासिले हयात है और यही मकसूदे ज़िस्त है। काश ऐसा हो जाए मगर गुलाम बनने को तैयार यार कर दावे गुलामी है मगर चेहरों पर दाढ़ियों का बोझ उठाया नहीं जाता। दावे गुलामी तो है हमें मगर लिबासे पाक सरवरे कायनात लसलमा की इत्तबा का जज्बा बेदार नहीं पाता। जज्बे गुलामी का इजहार तो करते हैं मगर हाल ये है कि दिल लहू में खोना तुझे शब देर तक सोना तुझे शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अरे गुलामी किसे कहते हैं बिलाले हबशी से पूछो जिन्होंने जान का नजराना पेश कर दिया है। बिलाले गुलामी कहते किसे हैं खबाब इब्ने अरस की जिंदगी का जायजा लो जिन्होंने कुफार के जलाए हुए शोलों को आंखों से वो ललकार दी है कि शोले तो कजला गए इश्क़े रिसालत पनाही की शमा में जरा बराबर भी उसकी रमक में कमी ना आई। जो यही कहते रहे ऐ इश्क तेरे सस्ते जलने से छूटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। गुलामी का अंदाज तो पैदा करो अगर एक सच्चा गुलाम हो गया तो तारीख फिर करवट लेगी। एक गुलाम बिलाल ने उमैया का सर खम कर दिया था और जब गुलामों की तादाद 313 हुई थी तो जमाने में इनकलाब की वो लज्जतें महसूस की थी कि आसमान से सदाएं आ रही थी कद नसरकुमुल्लाह बिबद्र अल्लाह ताला अज़्ज़वजल ने बद्र में तुम्हारी मदद फरमाई है और ये मदद तुम्हारे चेहरों की बुनियाद पर नहीं तुम्हारे जज्बे गुलामी की बुनियाद। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में। और दुरूद शरीफ पढ़ें इसका मिसरा जो है ज़हन से महव हो गया। दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादली जुल वल करम सलातो व सलामन अलैके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी का जो जज्बा है असल में वही मताए ज़िस्त है वही इंसान का मकसूद हयात है। आदमी अगर इस गुलामी से हाथ उठा ले तो न ये खजाने काम आने वाले हैं न ये सितवत शाहाना काम आने वाली है न ममलकत वजारत तुम्हें काम आएगी न फौजों की कुव्वत शौकत काम आएगी। काम आने वाली अगर कोई शय है तो मुस्तफ़ा प्यारे की गुलामी है। नबी कायनात सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी मोहब्बत का पैगाम 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद आजम ने दिया। आज हम मुजद्दिद की जब शान बयान करते हैं तो आपकी जो हयात तैयबा है वो मुख्तलिफ पहलुओं से आप देखेंगे तो हर पहलू मुमताज और बेमिसाल नजर आता है। आदमी अपनी अपनी निगाहों से देखता है और अपना तजजिया अपना तखय्युल और अपना तासुर पेश करता है। आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु के इल्मी वकार और उनकी तहकीकी शान पर तो वो लोग गुफ्तगु करें जिन्हें वाकई मैदान तहकीक से कोई ताल्लुक है जिन्हें वाकई इल्म के मैदान में कदम रखने की सलाहियत है वरना आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस जाविये से पहचाने गए कायनात आलम में और जो आपके जुमला उलूम व फुनून का मकसूद था आज उसी की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा। आप देखिए
किसी भी ममलकत के तहफ्फुज के लिए एक फौज दरकार होती है। अगर फौज ना हो तो मुल्क का निजाम सलामत नहीं रहेगा, मुल्क की सरहदें महफूज नहीं रहेंगी। बादशाह सबसे ज्यादा तवज्जो जिन उमूर पर देता है वो मुल्क के तहफ्फुजात के उमूर होते हैं। इसीलिए हर बादशाह हर ममलकत का फरमारबा बेहतरीन ताकतवर फौज रखता है। ऐसी फौज जो दुश्मन के दांत खट्टे कर दे, और वो फौज जो हमा वक्त बेदार और चौकन्ना रहे। ऐसी फौज नहीं रखता जो खा पी करके खाबे गफलत का शिकार हो जाए। फौज का वजूद इसीलिए होता है कि मुल्क की सरहदें महफूज की जाए, मुल्क के अंदरूनी माहौल पर भी नजर रखी जाए। एक तरफ तो ये पहलू कि दुश्मन कहीं से शब खून न मारने पाए, और दूसरा पहलू ये कि मुल्क के अंदर रहने वाले गद्दार कहीं सर न उठाने पाए। इसके लिए फौज रखी जाती है, और फौज का सिपाही मैदान जंग के जुमला फुनून को सीखता है। वो तलवार चलाने में महारत हासिल करता है, वो तीरंदाजी में महारत हासिल करता है, और फिर जैसा जमाना होता है दुश्मन से मुकाबले के लिए ऐसे असलहों का इस्तेमाल करता है और उसमें महारत हासिल करता है। ये आम सिपाही का मामला है, मगर सिपाहियों का जो सालार होता है, जो फौज का कमांडर होता है, उसकी निगाह बहुत दूरस हुआ करती है, और वो मुल्क के मफादात और मुकाबिल फौज की कमजोरियां, हमले के मकामात का अंदेशा, इन तमाम चीजों पर उसकी नजर होती है। और अगर ऐसा न हो तो मामला ये है कि हम इस दरवाजे पर हिफाजती तदबीर कर रहे हैं और किले का दूसरा दरवाजा टूट जाएगा। अगर ये छोटी सी तमहीद आपके जहन में आ गई है तो अब आइए, इश्क़े रिसालत पनाही एक दौलत है, ये ईमान की एक अजीम सल्तनत है। मोहब्बत रसूल जो जाने ईमान है। आला हजरत इमाम बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। सबसे पहले अपनी ममलकत का तायुन आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी सल्तनत की शिनाख्त आपको करनी पड़ेगी। असल सल्तनत हमारी है क्या? असल सल्तनत ये रोजा और ये नमाज नहीं है, असल सल्तनत मोहब्बत रसूल है। इसलिए कि अगर मोहब्बत रसूल पैदा हो जाए तो बंदा कलमा पढ़ता है, बंदा मुस्तफा की इताअत करता है। जब इश्क की तवानाइयां नुक्ते कमाल पर होती हैं तो बंदा फज्र के वक्त में नर्म लिहाफ के मजे नहीं लूटता है, बल्कि सर्दी के मौसम में हय्या अलस्सला की सदाओं पर लब्बैक पुकारता मस्जिद चला जाता है। और अगर वो मस्जिद नहीं जा रहा है तो उसका दावा इश्क झूठा है, वो अपने दावे में बेवफाई कर रहा है। महबूब से मोहब्बत है और उसकी आवाज पर आवाज पर लब्बैक न कहा जाए। महबूब से दावा इश्क है और उसकी आंखों की ठंडक का सामान न किया जाए, तो हमारी पूंजी और हमारी सल्तनत इश्क रिसालत पना ही है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अब इस मोहब्बत की हिफाजत के लिए कैसे कैसे असलहे की जरूरत है, कौन कौन से फन की जरूरत है, इस जाविये से जब आप देखेंगे तो अब इस दौलत पर हमला करने वाली फौजों का अंदाजा लगाइए, हमला करने वाले गनीम का अंदाजा लगाइए। हमला कहां कहां से हो सकता है, कौन कौन से दरवाजे से हम पर हमला होगा। तो हकीकत तो ये है कि ईमान का खुला हुआ दुश्मन जो है वो काफिर है, वो मुशरिक है, जिसने अभी इस्लाम कबूल ही नहीं किया है। अब वो चाहता है कि इस्लाम की शमा बुझा दी जाए। रोज अव्वल से यही होता रहा है, सतीजा कार रहा है, असल से ताइम रोज चरागे मुस्तफवी से शरारे बुलहबीस, हर जमाने में काफिर ताकतें इकट्ठा होकर इस्लाम को पायमाल करना चाहिए हैं। चाहे वो दौरे आदम हो, ये वो दौरे नूह हो, वो हजरत मसीह कलिमतुल्लाह का जमाना हो, या हजरत मूसा अलैहि सलाम का जलाल का जमाना हो, हर जमाने में काफिर एक मुत्तहदा ताकत बनकर इस्लामी फिक्र नजर को तबाह
करने के लिए कील काटे से लैस होकर मैदान अमल में आते रहे। अब आप अंदाजा लगाइए, जब वो आखिरी नबी आ गया, वो जाने ईमान आ गया, वो इमामुल अंबिया आ गया, वो सरदारे दो जहां आ गए, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत अगले नबियों से ज्यादा की जा रही है, इसलिए कि हर नबी अपने अपने महदूद जमाने में अपनी मखसूस कौम का नबी बनकर आया था। ये नबी तो सारी कायनात का नबी बनकर आया है, ये नबी तो अव्वलीन व आखिरीन का नबी बनकर आया है। इसकी शान व मा अरसलनाक इल्ला रहमतलिल आलमीन, ये नबी ऐलान कर रहा है उरसिलतु इलल खल्क काफा, मैं तमाम मखलूक के लिए नबी बनकर आया हूँ। इसकी नबुवत हमागीर है, इसकी दावत सुबह कयामत तक के लिए है। तो हमले यहाँ ज्यादा होंगे, मुखालफतें यहाँ ज्यादा होंगी, काफिर खुले अंदाज में हमला करेगा, कभी बद्र का मैदान रूनुमा होगा, कभी हुनैन की तारीख लिखी जाएगी, कभी यरमूक का सामान क़िताल सामने आएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुले मुखालिफीन ये कुफार तो रहेंगे, मगर कुछ आस्तीन के सांप भी होंगे जो अंदर ही अंदर इस्लाम की जड़ें खोखली करना चाहेंगे। कुरान ने उनका भी चेहरा बेनकाब कर दिया है, उन्हें भी बेनकाब कर दिया कि ये कलमा पढ़ने वाले, ये ईमान के मुद्दई लोग हैं जो नबी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, पैगंबर के साथ जिहाद के मैदान में जाएंगे, ये ज़कातें भी अदा करेंगे, मगर मामला ये है कि दिल से ये मोमिन नहीं है, ये ईमान का ढकोसला तो रचा रहे हैं, मगर इनका मकसूद इस्लाम को मिटा देना है। रब्बे कायनात अज़्ज़वजल ने इनके चेहरों पर पड़ी हुई निकाब उलट दिया और फरमाया व मिनन नास मन यकूलू आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हम ईमान लाए अल्लाह पर, हम ईमान लाए क़यामत के दिन पर, मगर महबूब वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन इसलिए नहीं है क्यों ने अभी आपको माना ही नहीं है। आपकी शान का आलम यह है कि आपको मान लेने का नाम अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, ईमान है ही जब तक मुस्तफा से मोहब्बत ना हो जाए। अब आप देखें हजरत सैयदना आला हजरत इमाम बरेलवी रजी अल्लाह ताला एक सिपाही नहीं है, सालारे आला है। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हो इस किले ईमान की हिफाजत की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, रब तबारक व ताला की तरफ से ये जिम्मेदारी तफवीज कर दी गई, इसलिए कि आप आलिम हैं और आलिम का मकाम आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल की तरह है। जैसे वो पिछले नबियों की शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए इल्म व अमल जिहाद जो जो कोशिशें हो सकती थी बदर जाए अतम उन्होंने किया, बाज़ अंबिया कराम तो इस राह में शहीद भी कर दिए गए, बाज़ अंबिया कराम को कुफ्फारों मुशरिकीन ने वो अज़ियतें पहुंचाई के बदन जख्मों से लहू लुहान हो गया। तो ये उलमा अंबिया के वारिस इन नमल उलमा वरसतुल अंबिया, फजीलत में यह हदीस हमने बयान करी। तबीयत खुश हो और मुझ जैसा गुनहगार भी खुद को इस हदीस के जुमरे में समझने लगा कि नहीं मैं भी हूं, हालांकि ये बहुत ऊंचा मकाम है। उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो विरासत में बात फजीलत की आई तो सब शामिल होने को तैयार हो गए, हम भी आलिम उलमा की सफ में हम भी हैं, वारिस नबी हैं। और जब दूसरा पहलू आया जिहाद का, जब दूसरा पहलू आया एहकाके हक का, जब दूसरा पहलू आया मजालिम पर सब्र और शुक्र का, जब दूसरा पहलू आया कि अपना माल रहे मौला में सर्व कर दिया जाए, तो अब यहां विरासत याद नहीं आ रही, अब यहां पर वारिस नहीं है, फला हमारा मुखालिफ हो गया, कैसे उसको शीशे में उतारा जाए। फाजले गिरामी वकार अभी बयान कर रहे थे, ये दर्द था, ये जमाने का एहतसाब था जो बयान कर रहे थे।
अगर हम अपना एहतसाब बयान करते तो जबान नहीं गर्दन सलामत न रहे। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं जज्बे अना खैरु मिन्हो ने इंतशार के वो शोले भड़काए हैं कि दुश्मन के खैमे सलामत में हमारी झोपड़ियां जल रही हैं। ऐ चश्मे शोला बा जरा देख तो सही ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा तो नहीं। काश हम में ये एहसास पैदा हो जाता फजीलत में हम वारिस नबी हो गए। सब साहब हम नायबे रसूल हैं, हमारे चेहरे की जियारत इबादत है। अल्लाह अल्लाह इतनी बड़ी फजीलत हमें जो चेहरे देखने पर इबादत का इनाम रसूलुल्लाह ने दिया है वो चेहरा मौला अली मुर्तजा का है। नज़रो इला वजह अली ने इबादत वाली का चेहरा और फिर अली को देखो क्या उन्होंने चेहरे पर कोई क्रीम लगाया था क्या चेहरे को संवारने के लिए कैमरे को फेस करने से पहले क्या किसी मेकअप रूम से गुजर कर आए थे। वो जलवे हुस्न था कि काफिर देखता तो दिल पुकार उठता कि ये झूठे का नहीं सच्चे का चेहरा है। माँ के चेहरे को देखना इबादत है, एक हज मबरूर का सवाब है। आलिम रब्बानी का चेहरा देखना, देखो आलिम होना और है। मैं यहाँ सिपाही की जो तमहीद बांधा, एक सिपाही बड़ा फनकार, तलवार खूब चलाता, तीरंदाज भी बड़ा है, बाजू में कुव्वत है, एक साथ सैकड़ों तीर फेंकता है, बाजू शल नहीं होते, घंटों तलवार चलाता है, कलाई में दर्द नहीं होता, दुश्मन से मुकाबला करता है, जिगर में जरा खौफ नहीं आता, शुजा है। मगर इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? इसका इस्तेमाल लोग मुझे शुजा कहें, लोग मुझे बहादुर कहें, लोग मुझे शमशीर जन कहें, लोग हमें तीरंदाज कहें, और फिर ये तीरंदाजी के जौहर अपने ही बराबर के सिपाही को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। तो अब दुश्मन से मुकाबला नहीं, घर ही में जंग छिड़ गई है, तो ये सिपाही नहीं होगा, ये अपने मुल्क का मुहाफिज नहीं होगा, बल्कि दर पर्दा ही अपने मुल्क का बदखा ठहरेगा। नहीं ठहरेगा तो बताइए, दुश्मन वहां पर फसीलें तोड़ रहा है, बारूदी सुरंगे लगा दिए और हम यहाँ डटे हुए हैं। कमांडिंग पावर हमारे पास, कयादत की सलाहियत तो बस मुझ में है, मुझे बनाओगे कायद तो मैं जाऊंगा, वरना मुल्क जाए भाड़ में माजल। अब आप जरा देखें, आज आदमी बड़ी सफाई से अर्ज करूं, नाम लेता है आला हजरत का, काम होता है आला हजरत के खिलाफ, क्योंकि नाम आला हजरत एक सिक्के राइजुल वक्त है। और इस जमाने में ताजु शरिया का नाम ये एक ऐसा सिक्का है कि इस सिक्के की बदौलत बच्चे भी उठ जा रहे हैं, बच्चे भी चल जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, नहीं मैं खोटा कहने की जरूरत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझसे बड़ा खोटा कौन होगा। आकाए करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं आप, इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं। तो विरासत लफ्ज वारिस ये अपने इतलाक पर है, जब अंबिया के वारिस हैं आप तो जोहद और तकवा अपनाना पड़ेगा, भूख और प्यास सहनी पड़ेगी, दीन के लिए मशक्कतें उठानी पड़ेगी,
तबलीग दीन कर रहे हैं, तिजारत नहीं कर रहे। मुकाबला आराई तिजारत में होती है, और अगर यहाँ दीन का काम इनसे हो गया तो मेरा भी तो वही मकसूद था, मेरा भी तो वही मुद्दा था। जौहरे खिताबत दिखाकर इनफरादियत बनाना मकसूद ना कल था ना आज, मकसूद था दीन का पैगाम पहुंचाना, मकसूद था आला हजरत का तारुफ कराना, मकसूद था आला हजरत की हयात से वो मुकद्दस शमे तुम्हें देना जो तुम्हारी जिंदगी की अंधेरियों को मिटा दे, जो तुम्हारे लिए राह आखरत को रोशन कर। और जब इस जाविये से आप सोचेंगे तो आपके अंदर बड़ा इनकलाब पैदा होगा। अब हमारी कौम जो गुर्बत और तंगदस्ती की आखिरी हदों में, वो राग रागनी के नाम पर अपने पसीने की रकम लुटा दे, अपने ज़ौक़े समाअत, अपनी लज़्ज़ते समाअत के लिए फुसाक फुज्जार बेनमाज़ियों को वो मिंबरे रसूल की जीनत बना डाल। और अराकीन भी वही कर रहे हैं जो अवाम चाहती है। तो मकसद तबलीग नहीं रहा, मकसद लज़्ज़ते समाअत रहा, वरना जहाँ एक सिपाही सरहद के तहफ्फुज़ के लिए बवक्त ज़रूरत शमशीर चलाता है, कभी खंजर चलाता है, कभी तीर बरसाता है, कभी बारूदी सुरंगों में घुसकर दुश्मनों का किला कमा करता है, इसी तरह ईमान के तहफ्फुज़ के लिए कभी तहरीर सामने आती है, कभी तकरीर सामने आती है, कभी शायरी सामने आती है, कभी मुनाज़रा सामने आता है, जैसी जरूरत होती है वैसे अफराद सामने लाए जाते हैं। और मकसद क्या होता है कि दीन का काम, तकरीर क्यों सुनने आया, अच्छा लग रहा है, इसकी तकरीर अच्छी लगती है, बड़ा अच्छा चिल्ला लेता है, इसलिए अगर ये आए तो फिर मामला खत्म। आप आए हैं इसलिए कि अपना दीन समझें, अपने नबी की मोहब्बत अपने सीने में ऐसा पुख्ता कर लें, ऐसा पुख्ता कर लें कि बदअकीदगी का कोई तूफान उस समय मोहब्बत को बुझा न सके, इसलिए कि यही समय इश्क़ रिसालत है जो हमारी कब्र का मूनिस है, आखरत में हमारे लिए वो जरिया निजात है। लहद में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग। अब आप ख्याल करें, ये खिताब, ये तसनीफ उताली, ये दारुल इफ्ता, ये तहकीक इसीलिए है कि ईमान की हिफाजत की जाए, कौम मुस्लिम को गुमराही से बचाया जाए। अब इस तनाजुर में आप आला हजरत को देखो, आला हजरत इमाम बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु सिपाही नहीं, सिपा सालार, इमाम अहमद रजा ब्रिगेडियर नहीं है, बल्कि जमी अफवाज के सालार। तो जाहिर सी बात है कि मनसब ऊंचा है तो सलाहियत भी ऊंची होती है। कोई फन ऐसा नहीं कि सिपाही में हो और सालार में हो। आला हजरत इमाम बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जुमला उलूम व फुनून को मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का मुहाफिज बना दिया। उन्होंने इल्म का इजहार बेईमाना नहीं किया कि मैं इस इल्म में यदे तूला रखता हूं, बल्कि तहकीक के जो दरिया बहाए उसमें ये बताया, और पूरी तहकीक का महवर ये था कि हमारे नबी की आबरू सलामत रहे, मुस्तफा की इज्जत पर कोई हर्फ ना आने पाए, और जो नबी की बारगाह से टकराएगा उसका सर अहमद रजा का खंजरे खूंखार कलम कर देगा। उनका विज़दान पुकारता है किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशा। जौलानियों का महवर सैयदना आला हजरत फाजले बरेलवी रजी अल्लाह ताला सिर्फ तसनीफ में और इल्मी तहकीकात के जरिए आपने उलूम के समंदर नहीं बनाए,
बल्कि एतकाद को अमली तौर पर भी पेश किया। मुसलमान अल्लाह पर कामिल ईमान रखने वाला हो, तवहुम परस्ती ना हो, तबीयतों में तरद्दुद ना हो। जब नबी को मान लिया है तो यकीन करे कि दुनिया का हर फलसफा झूठा है, सच्चा फिर सिर्फ मेरा नबी है। और एक हदीस पाक का मफहूम मैं अर्ज करूं कि एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मेरे भाई को इस हाल हो रहा है, इस हाल यानी जिसको अंग्रेजी में लूज मोशन कहते हैं, दस्त आ रहे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी ही आसाला, उसको जाओ शहद पिला दो। तवज्जो है, शहद पिला दो। जब वो आए भाई को शहद पिला दिया, मगर मामला यह है कि शहद पिलाने के बाद रद्द अमल ये हुआ कि इस हाल पहले अगर दो चार बार हो रहे थे तो अब बढ़कर के सात और आठ, यानी मर्द पहले के बनिस्बत तरक्की कर गया, बढ़ गया। और फिर हाजिर सरकार ने फिर फरमाया शहद पिलाओ। तीन बार हाजिर हुए, तीनों बार हुक्म हुआ शहद पिलाओ। शहद पिलाते मरीज की तबीयत और बिगड़ती जाती। दुनिया का हकीम होता, दुनिया का तबीब होता, दुनिया का माहिर होता, तो मरीज जब दोबारा जाता है तो डॉक्टर अपने नुस्खे पर गौर करता है, नुस्खे में तब्दीली लाता है। कभी कभी ये होता है कि इस ब्रांड की दवा नहीं, अब ये ब्रांड की ले लो, फार्मूला वही है, ब्रांड बदल जाएगा तो शायद उसमें कुछ फर्क हो जाए। मतलब ये है कुल मिला के कहने का कि बड़े से बड़ा तबीब अपने मरीज की शिकायत जब दोबारा सुनता है तो असले नुस्खा जो पहले दिया था उसमें तब्दील कर देता है। मगर ये हुजूर की बारगाह है, नुस्खा नहीं तब्दील हुआ, जबकि आगे कह रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मर्द और बढ़ गया। अगर पैगंबर तबीब दुनियावी होते लाजमन नुस्खा बदल दिया जाता, मगर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीब कायनात बनकर आए, अल्लाह की बारगाह से मामूर हैं। रब ताला ने उन्हें इस कायनात आलम के लिए शिफा बनाकर भेजा है, ऐसे शिफा कि जब तक ना आए मदीना यशरफ था, कदम पड़ गए तो ताबा और तैबा हो गए। जिनके कदमों की अखीर में हुजूर ने फरमाया जा शहद पिला, अल्लाह का नबी सच्चा है, तेरे भाई का पेट ही झूठा। अब जरा अंदाजा लगा, आला हजरत के ही मिजाज था, हदीस के रोशनी में आला हजरत का मिजाज तामीर हुआ था कि वो दुनिया का कोई फलसफा, दुनिया की कोई तहकीक रसूलुल्लाह के फरमान के मुकाबिल कबूल नहीं करते थे, बल्कि फलसफे का बतलान उसी फलसफे के उसूल पर कर देते थे। साइंस का रद्द साइंस ही से कर देते थे और कुरान के मिजाज को नहीं बदलते थे। जिन लोगों के पास इल्म नहीं, बल्कि इल्म क्या, जिनके पास में ईमानी कुव्वत न थी, तो वह हमेशा मगरबी मुहक्किकीन के आगे खुद को बौना तसव्वुर करते थे। और यही जज्बे एहसास कमतरी था कि वो लोग इस्लामी मुसलमान को बस ये कहकर गुजर जाते थे कि साहब कुरान और हदीस का यही हुक्म है। साइंस पूछ रही है कि इस हुक्म के पीछे दाइया क्या है। हम दुनियादार लोग हैं, हम दुनियावी मफादात और उसके असबाब व इलल जानना चाहते हैं। तो लोगों की जबानें खामोश थी, अरबाब तहकीक के कलम यहाँ रुक गए, मगर इमाम अहमद रजा सलाम तुम्हारी तहकीकी कुव्वत पर कि चाहे वो फलसफे की दुनिया का माहिर हो, अगर एतराज करता है तो आप उसी की जबान में उसे जवाब देते हैं और कुरान की हक्कानियत को उसके सामने जाहिर कर देते हैं। चाहे वो हरकत जमीन का मसला हो या वो सयारगान का मसला हो, चाहे वो साहब उसकी पेशिंगोई
जो एक अंग्रेज गुजरा कि फला फला तारीख को ये सितारा यहाँ होगा और ये साहब यहाँ होगा, जमीन पर जलजले आएंगे, आसमान में भाले पड़ेंगे, सुराख हो जाएंगे। आला हजरत रजी अल्लाह तआला उन्होंने कुरान की आयात से और साइंसी उसूलों से उसकी पेशींगोई की धज्जियां उड़ा दी और जब वो वक्त गुजर गया तो दुनिया ने देख लिया कि वो सिर्फ इमाम अहमद रजा है जो कुरान का दिफा करता नजर आ रहा है और जो ईमान का तहफ्फुज़ कर रहा है। अब हम लोग तवहुम परस्त हो गए और ये तवहुम, ये तरद्दुद और ये ढीलापन कहां तक पहुंचा है। कोई साहब जिनके बारे में अवाम कह दे कि ये मजदूर हैं, या अवाम कह दे ये साहब अल्लाह के वली, अब वो खुले तौर पर शरीयत की मुखालफत कर, हमको डर लगता है नहीं साहब बोलेंगे अगर बद्दुआ देंगे तो बेटा मर जाएगा, काम कारोबार टूट जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी। ये तवहुम है, ये हमारे ईमान की कमजोरी है। इस मैदान में भी आला हजरत का किरदार हमारे लिए नमूना है। दुरूद शरीफ पढ़ने तो मैं सुना दूं। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم الجود والكرم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله। यहां ये माना नहीं है कि औलिया इकराम की बारगाहों से हम तुम्हें दूर कर रहे हैं। अरे औलिया से तो करीब इमाम मोहम्मद रजा ने हमें किया है और कहा है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। और क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु। बरेली शरीफ में एक मजदूर बुजुर्ग रहा करते थे। मजदूर औलिया कराम में से एक किस्म है मजदूर। और ये मजदूर होते कैसे, क्या मामला है, तो मुख्तसर अर्ज कर, हम लोग जिस आलम में रहते हैं ना यह आलम नासूर। इसके बाद जब मुजाहदा बंदे मोमिन करता है यह उसका अमल है, मगर इस अमल से विलायत मिल जाए जरूरी नहीं है, इसलिए कि विलायत कसबी नहीं बहबी, अल्लाह जिसे चाहे अपने फजल से अता फरमा दे, मगर जिसे भी अता फरमाएगा उसे शरा का आलिम जरूर बनाए, एहतराम शरीयत उसके अंदर, क्योंकि रब फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उसके आलिम बंदे ही हैं। अगर आलिम नहीं होगा तो अल्लाह से डरेगा कैसे, खौफ के लिए मारिफत जरूरी है, मारिफत नहीं तो खौफ नहीं। हमने सांप के औसाफ ही नहीं जाने तो हमें डर क्या लगेगा। बच्चे को ये तकरीब फहम के लिए कह रहा हूँ मैं, ये कोई मिसाल नहीं, इसका कोई तनासुब नहीं है, इसकी कोई निस्बत नहीं। बच्चा छोटा है, शीरखार, वो सांप के बारे में जानता नहीं, उसके पास सांप आ जाए तो खिलौना समझ कर तो उसे पकड़े, और बच्चों की आदत होती है कि कोई भी चीज पड़ी हो उठा के सीधा मुंह में डालते हैं, अब वो जहरीली दवा हो या नजिस चीज हो, ये फितरत है बच्चों। तो बच्चा नहीं जान रहा, आग के शोलों में चला गया, सांप पकड़ लिया, मगर यही बच्चा जब शूर और आगही की मंजिल पर कदम रखता है, माँ इसकी हिदायत करती है, उस्ताद जो इसका मुरब्बी है तालीम देता है कि सांप में जहर होता है, सांप इंसान के लिए दुश्मन है और इसका जहर सम कातिल है, मरने का अंदेशा है, मौत आ जाएगी, आग जला देती है। जब ये मारफत हासिल हो गई तब कोई समझदार बच्चा सांप से नहीं खेलता, आग में नहीं जाता, अल्लाह से डरना, उसकी बारगाह का अदब करना, उसकी नाराजगी का खौफ करना, उसके एताब से खौफ सदा होना, ये उसी वक्त हासिल होगा जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफात का आरिफ हो जाए बंदा। अब हमें मालूम ही नहीं कि हमारे किस अमल से अल्लाह नाराज होगा और किससे राजी होगा। तो बाज लोगों ने आराज के महाफिल, बुजुर्गों की आराज, कहते हमें अकीदत है बुजुर्गों से, गरीब नवाज से अकीदत, हमसे ज्यादा अकीदत होगी, आला हजरत से ज्यादा अकीदत होगी, तुम सिर्फ अकीदत में फूल चढ़ाते हो,
इमाम अहमद रजा ने तकद्दुसे गरीब नवाज के तहफ्फुज में फतावे लिखे और फरमाया कि जो अजमेर मुअल्ला को महज अजमेर कहे वो बदअकीदा होगा, अगर वो तहकीरन कह रहा है तो वहाबिया में से होगा। मुसलमान के लिए चाहिए कि अजमेर के साथ लफ्ज शरीफ बोला, क्यों? इसलिए कि वहां सरकार करीब नवाज है। बरेली को हमने शरीफ कहा, ऐसा नहीं कि वहां का स्टेशन बड़ा खूबसूरत शमशाबाद के एयरपोर्ट की तरह, नहीं, सड़कें बड़ी कुशादा हमारे यहाँ के फोरवे की तरह, नहीं, बहुत वहां पर मामला शहरी एतबार से अभी दकिया नूसी मंजिल में, मगर बरेली शरीफ है। ये शराफत सड़कों स्टेशनों वहां की आबो हवा या पानी की वजह से नहीं है, बरेली की शराफत इमाम मोहम्मद रजा की वजह से, बरेली की शराफत मुफ्ती आजम से, बरेली की शराफत ताजु शरिया से है, बरेली की शराफत हुज्जतुल इस्लाम से है, बरेली की शराफत मुफस्सिर कुरान से है, बरेली की शराफत उस आशिक रसूल की वजह से है जिसका हर लम्हा हयात मोहब्बत रसूल की जलवागाह बना हुआ था। जो बोलता था तो अजमत रिसालत बोलता था, जो सोचता था तो तहफ्फुज़ खत्म नबूवत सोचता था। आप गौर करें, हम उर्स मना रहे, अकीदत है ख्वाजा गरीब नवाज चले गए, हम सजदा तो नहीं कहते इसलिए कि हम गाली नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मोहतात हैं, मगर सजदे की सूरत बना ली। हम सजदा शरई इसलिए नहीं कहते कि सजदा शरई के लिए क़िबले का तायुन, आदाब सजदा, पेशानी का, नाक का, उंगलियों का गरज उसकी एक तफसील है, वहां वो नहीं पाई जाती, मगर ये भी चूंकि सूरत सजदा है और हद रुकू तक झुकने की मुमानात शरा में आई तो इसकी भी इजाजत नहीं दी जाए। मगर हम गए, हम वही कर रहे हैं। माँ बहने चली गई, चूड़ियां बांध कर आ गई, ताले लगा कर आ गए, धागे डोरे बांध कर आ गई, है क्या? पहली बात तो तुम अगर आला हजरत को मानते हो तो आला हजरत का तो फतवा यह है कि औरतों को मजारात पर हाजिरी ही जायज है। ये न पूछो कि जायज है कि ना जायज, ये पूछो कि घर से निकलती हैं तो अल्लाह रसूल की लानत में होती है। अब हम और आगे बढ़े, ढोल तमाशे बजा रहे, शक्लें बदल डाली हमने, आरा से बुजुर्गाने दीन के नाम पर हमने वो तमाशे, वो तूफान बदतमीजी बर्पा किया कि दुनिया ने समझा कि शायद यही इस्लाम है, दुनिया ने समझा शायद यही दीन है, दुनिया ने समझा शायद यही शरीयत है। इसीलिए लोग हमें देखकर मुसलमान तो क्या होते, जो मुसलमान थे माजल्ला बदअकीदा हो गए कि क्या इसी का नाम अकीदत है, क्या यही है जो है मोहब्बत है। इमाम अहमद रजा ने कहा अकीदत ये नहीं है, अकीदत तो ये है कि मजार पर जब हाजिरी दो तो इंतहाई अदब के साथ और मजार से इतनी दूर रहो जितनी दूर उसकी हयात में रहा करो। आज आपके पीर साहब आ जाएं तो आपकी हिम्मत है क्या? चढ़े जाएंगे, शोर मचाएंगे और ले लीजिए इतर रगड़ दीजिए उनके कपड़ों पर, पीर साहब को वो जला लाएगा कि दोबारा जरूरत नहीं होगी आगे बढ़ने की। और यहाँ सरकार गरीब नवाज में जा रहे हैं, दीगर औलिया अल्लाह की मजार पर, खैर गरीब नवाज की बारगाह में तो इतना भी वक्त नहीं मिल पाता कि लोग कायदे से फातिहा पढ़ सके, क्योंकि वहां तो दरगाही मुजाविरीन की वो दहशत गर्दी के अलमानुल हफीज वहीं खड़े रहते हैं सुरीन टिकाए हुए और वो हु हल्ला मजारात की क्या ताजीम करेंगे। आला हजरत कहते हैं कि पाइंटी की तरफ से हाजिर हो और मवाजे में दाखिल होकर सर झुकाकर सलाम पेश करें और फिर तीन बार दुरूद शरीफ पढ़े, आयतुल कुर्सी शरीफ अगर याद है तो वो पढ़ ले, सूरह फातिहा पढ़ ले, तीन बार कुलहुल्ला शरीफ, फिर दुरूद पाक पढ़कर इसका सवाब बतवस्सुल हुजूर सरवरे कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
और सहाबा और अहले बैत के साहिब मजार पर नजर करें और फिर उन्हें वसीला बनाकर रब से दुआ करें। ये आदाब है औलिया की बारगाह में हाजिर। आज हम इसके पाबंद हैं, हम शोर मचा रहे हैं वहां पर। कुछ लोगों को खिदमत गिरी मिल जाती है तो वो समझते हैं कि हमको चौधराहट मिल गई, अब फिर खबरों पर खड़े होकर जायरीन को ये मार धक्का वो मार, अरे हट यहाँ से ये कर वो कर, न किसी की वो कदर जाने न किसी की इज्जत जाने। ठीक है, आम लिबास में वक्त का मुहक्किक भी वहाँ मौजूद है, तुम उसके साथ भी वही सलूक कर रहे हो तो रसूलुल्लाह की हदीस की तरफ आ जाओ कि मोमिन का इकराम तुम्हारे लिए लाजिम है। और एक दूसरी हदीस पाक में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब तबारक व तआला ने औलिया को अवामे मोमिनीन में पोशीदा कर दिया, शबे कद्र को रमजान की आखिरी ताक रातों में पोशीदा कर दिया, जिसमें मंशाए इलाही ये है कि एक वली की ताजीम की आरजू में सारे मुसलमानों की ताजीम। हर एक शबे कद्र पाने के लिए हर ताक रात में इबादत जो होगी मिल जाए। अगर अब कहां इकराम है मोमिन, हमको मनसब मिल जाए तो मजालम किसी को चैन से रहने दे, दिखाएंगे ना अपना पाप। आला हजरत की बारगाह में बरेली शरीफ में एक मजदूर रहा करते, तो हां तो बात चल रही थी आलम नासूत की, कहां से कहां हम भी चले गए। तो आलम नासूत के बाद में बंदा तौफीक इलाही से तरक्की करके आलम मलकूत में आता है, और जब वो आलम मलकूत में आता है तो हैरत ज़दा रह जाता है, तहय्युर की मंजिल में होता है, क्योंकि आलम नासूत में जब तक रोटी नहीं खाता था तो सैरी नहीं होती, पानी नहीं पीता था तशनगी नहीं मिटती थी, कहीं जाना होता चार कदम पर तो मशक्कत उठानी पड़ती, दूर दराज का सफर करना पड़ता तो सवारी की हाजत पेश आती, मगर आलम मलकूत में जब पहुंचा तो साबिर कलियरी का मकाम ये कि 12 साल तक ये आलम मलकूत के फरिश्तों को खाने पीने की हाजत नहीं है, अल्लाह ने इससे उनको मुबर्रा रखा है। तो वहां पहुंचे तो ताज्जुब होता है और फिर आलम मलकूत से आलम लाहूत आलम जबरूत ये मुख्तलिफ आलम है। तो जब आलम तहय्युर में बंदा हवास गुम कर दे तो वही आलम जज्ब होता है, और जब बंदा तहय्युर की मंजिल से गुजर जाए और उसे हजम कर ले उसे बर्दाश्त कर ले तजल्लियों को वो अपने सीने पर जो है तो बर्दाश्त कर ले उसका तहम्मुल कर ले तो वो सालिक के दर्जे पर होता है, वो बढ़ता चला जाता है। मंसूर एक कतरे मारफत में अनल हक पुकारते हैं और उनकी बहन 40 साल पीती है हलमी मजीद के नारे लगाते हैं। मजूद थे, उनका नाम था धोखा शाह, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस इसी पर शायद गुफ्तगू खत्म कर दूं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के बारगाह से अता किए हुए बहुत सारे टुकड़े हैं, उसमें तो कुछ रेजा अर्ज कर रहा हूं। तो धोखा शाह नाम था, क्या नाम था, और ये रिवायत सीधी सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल रिजवान से। धोखा शाह का मतलब यह था कि वो जो कहते थे उल्टा होता था, औलिया इकराम की शान उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार दारी। तो उनका नाम था धोखा शाह, जो कहते थे उल्टा होता था। एक बार वो टहलते हुए आला हजरत की बारगाह में आ गए, आला हजरत अपने खानकाह में, और जमाने में वो खानकाह क्या थी, आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो दारुल इफ्ता था और वही सब कुछ था, वहीं से सीने बनाए जाते थे, वहीं अफराद तामीर किए जाते थे, वही फैक्ट्री थी जहां सदरु शरिया जैसा शाहकार बनता था, ये वही कारखाना था जहां हुज्जतुल इस्लाम जैसा नाबगे रोजगार बनता था, ये वही कारखाना था जहां आलुर रहमान मुस्तफा रजा की तामीर होती थी, जहां हुजूर बुरहाने मिल्लत का किरदार संवारा जाता था। ये वो बारगाह है, मैं आला हजरत के इन शाहपारों को देख लो, इनका जवाब नहीं तो आला हजरत का जवाब कहां से लाओ। तो धोखा शाह गए और आला हजरत को सलाम करके बैठ गए,
आला हजरत अपने जिम्मेदारियों में मसरूफ थे, खा वो फतवा नवीसी कर रहे थे या कोई रिसाला तहरीर फरमा रहे थे। कुछ देर धोखा शाह बैठे बैठे कहने लगे कि मौली साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कहां कहां है? बड़ा नाजुक मसला था। तो आला हजरत रजी अल्लाह तआला ने बिला तकल्लुफ फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहान की बादशाही अता फरमाई। वो बादशाह है दीन और दुनिया, वो जमीन के भी बादशाह हैं, आसमान के भी बादशाह हैं, शर्क और गर्ब के भी बादशाह हैं, शमाल और जनूब के भी बादशाह। बादशाहत उनकी ऐसी है कि जब वो हर मखलूक के नबी है तो सबके बादशाह। तो धोखा शाह कहने लगे कि मौलाना, जमीन पर तो हुजूर की बादशाहत मुझे नजर आ रही है मगर आसमान पे नजर नहीं आ रही। और ये बड़ा मोहताज कलमा था, ये नहीं कहा कि आसमान में नहीं है। अरे किसी को नजर ना आना और है शय का मौजूद होना। अर्ज किया कि बात समझ में नहीं आई। और चूंकि वो उस मंजिल पर थे कि मुशाहिदा चाहिए, और जो जिस मंजिल पर होता है उसी शान के लायक उसका मुतालबा होता है। खुल्लत के मकाम पर फाइज है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अर्ज कर उठे, रब्बी अरनी कैफ तुहयिल मौता, दिखा दे कैसे तू मुर्दों को जिंदा करता। हुक्म हुआ अवलम तुमिन, क्या तुम्हें ईमान नहीं? कहा बला मौला, ईमान क्यों नहीं? वला खिल्लियत मैंना कल्बी, मेरा अपना मकाम, मैं चाहता हूँ कि मुशाहदा हो जाए। तो इन्होंने कहा कि जमीन पर तो दिख रही है मगर आसमान में समझ में नहीं आ रही। आला हजरत रजी अल्लाह तआला ने कलम रखा, दलाइलो इब्राहिम का दरिया मौजे ले ले, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत जमीन में आसमान में हश्र में। क्या फरमाते हैं? अना खतीबुल अंबिया वला फखर, अना सैयदुल अव्वलीन वला आखिरीन वला फखर, मैं अव्वलीन आखरीन का नबी हूँ, नबियों का खतीब हूँ, कि जहाँ सबकी ज़बानें खौफे इलाही से साकित है वहां मैं बोल रहा हूँ। मगर वो धोखा साथ है, कहने लगे कि मौलाना बात समझ में नहीं आ रही। अब आला हजरत को जला, और ये इल्मी जोश था और उनके आकाए करीब का मामला था। जलाल में फरमाया, धोखा शाह तुम्हें समझ में आए या ना आए, मुस्तफा की हुकूमत जमीन पर भी है आसमान पर। कह दिया, कोई टुटपुंजिया मौलवी और मुफ्ती तो थे नहीं कि हजरत तरीकत वाले हैं, शरीयत वाले हैं। कहां तरीकत वालों का मुंह लग, छोड़ दो इनको, तरीकत वाले तो कहे मेरा पीर बादशाह मुझे कोई गम नहीं, तरीकत वाले पीर साहब को सजदा करें और कहेंगे बस तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा खुदा है। कुफ्र कुफ्र चली बक्के जिसमें तावील की भी गुंजाइश है, और फिर पक्के मोमिन पक्के जन्नत। और वही सिर्फ पीर साहबों के लिए, खतीबों के लिए, मुकर्ररों के लिए एक लफ्ज बहुत आम तौर से बोला जाता है, पेशावर मुकर्रर। तो असल में पेशावर कौन होता है? पेशावर वो है जो सिर्फ और सिर्फ शिकम परवरी के लिए मौकिफ़े दीन से हटकर लोगों की दिलदारी चाहे, बेशक वो पेशावर। और जो हालात ज़माना के एतबार से अपनी जायज जरूरतों को अगर कौम के नजरानों से पूरा कर ले तो पेशा। इसको उसने अपना माश कहां बनाया? अब ये मजबूरी है उसकी कि अगर घर छोड़े, काम कारोबार छोड़े, बाहर आए तो कफालत उसकी बच्चों की करे कौन? एक दूसरा मौजू। मगर यहां आला हजरत ने फरमाया, जाओ, तुम्हें समझ में आता है नहीं आता है? हक यही है कि जमीन और आसमान के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हुक्मरानी जमीन और आसमान। अब आला हजरत ने ये बात कही, धोखा शाह हजरत की दरसगाह खानकाह से निकले और जिस रास्ते आए थे चल पड़े। मान घर से खादिम आए, हुजूर गजब हो गया, क्या हुआ?
का मुस्तफा रजा छोटी उम्र छत पर खेल रहे थे, छत से गिरे सर फट गया, खून बह रहा। आला हजरत का बड़ा प्यारा बेटा, वली नहीं वली घर बेटा, जिसकी करामतों का ऐलान हजरत शाह अबुल हसन नूरी मियां ने 6 माह की उम्र में ही कर दिया। वो बेटा आला हजरत तेजी के साथ जब हरम सरा में दाखिल हुए, जनान खाने में दाखिल हुए, तो आपकी वालिदा ने सख्त तंबीह की और गजबनाक आंखों से देखते हुए कहा कि बड़े मौलवी हो गए, हर पीर फकीर से उलझ जाते हो, देखा नहीं मुस्तफा रजा गिर गया है। मुझे लगता है कि ये धोखा शाह की नाराजगी का नतीजा है। आला हजरत अपनी वालिदा का बहुत एहतराम करते थे। ज़ैन हाजिर है, आप लोग तो सो रहे हैं, क्योंकि आपके लिए दावत अमल है ना, नहीं करेंगे सुबह सिर्फ तकरीर पर तबसरे होंगे, याद कुछ नहीं रहे, कुछ ले जाओ। आला हजरत तो मानते हो ना, कुछ ले जाओ। आला हजरत अपनी वालिदा को इतना, आला हजरत वालिदा का इतना एहतराम करते थे कि अपना माल जो वाली से विरासत में मिला था, माँ से इजाजत के बगैर उसमें तसर्रुफ नहीं करते। जबकि आप बालिग हैं, अपने माल में तसर्रुफ का शरान आपको इख्तियार है, किताबें मंगवानी होती वालिदा से रकम मांगते अम्मी जानी है। एक बार अपने बड़े फर्जंद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को पढ़ा रहे थे, आला हजरत सबक पढ़ा रहे थे, असातिज़ा का ये रोज का मामूल है, तो किसी बात पर सरकार आला हजरत नाराज हुए, तादीबन तंबीहन छड़ी उठाई और एक आध छड़ी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के उन्होंने रसीद कर दी। पहला बेटा है, दादी की आंखों का तारा है। आला हजरत की वालिदा को जब ये खबर लगी, बैठी हुई देख ली कि हामिद रजा पर छड़ी पड़ी, आई गुस्से में और आला हजरत पर अपने हाथ बरसाए, जिसे दो हत्तड़ मारना कहा जाता, इस तरह मारा और कहा कि मेरे हामिद को मारते हो। आला हजरत ने वालिदा से ये नहीं कहा कि अम्मी जान आप बैठिए वहीं पर, ये पढ़ने पढ़ाने का मामला है, ये तालीम और ताल्लुम है, मारेंगे तो सीखे कैसे, तावील नहीं करी, वजह नहीं बताई, खड़े हो गए और हाथ बांध के कहा अम्मी जान और मारो, है कोई बेटा जो मुजद्दिदे वक्त हो 14 बरस की उम्र में जिसका फतवा आलम इस्लाम में तहलका मचा दिया हो, रामपुर खैराबाद फिरंगी महल रामपुर के उलमा जिस फतवे को देख कर कहे ये किसी जवान का नहीं, ये मुफ्ती हासिक का फतवा है जिसने उम्र तवील दारुल इफ्ता में गुजारी। वो इमाम अहमद कामी जान और बेटे की सादत मंदी पर माँ का दिल भर आया, सीने से लिपटा के रो पड़ी, अहमद रजा वो हाथ टूट क्यों नहीं गए जिससे मैंने तुम्हें मारा है। अल्लाह अकबर, जब बेटा ऐसा सादत मंद होता है तो माँ का दिल उसके लिए मोहब्बत के आंसू बनकर गिरता है, और जिसकी माँ बेटे से राजी हो जाए अल्लाह उसके लिए नेमतों के दरवाजे कुशादा फरमा देता है। दुकान में बरकत नहीं हो रही है, धंधा नहीं हो रहा, ये पीर से ताबीज ले ले, वो पीर से ताबीज ले ले, मैं ताबीज का मुखालिफ नहीं हूँ, उलमा की कद्र करो, मशाइख के दहलीज पर जाओ, मगर एक बरकत जो यकीनी बरकत तुम्हारे घर में तुम्हारे रब ने दे रखी है, मेरे ताबीज में असर होगा नहीं होगा ये यकीनी बात नहीं है, मगर वो माँ जो तुम्हारे घर में है मोहब्बत से देख लोगे हज मबरूक का सवाब मिल जाएगा। आला हजरत की वालिदा ने कहा कि तुम हर पीर फकीर से उलझ पड़ते हो, बैठ जा बेटा, बैठ जा, अल्लाह ताला तेरे माल में बरकत दे। ये धोखा शाह का नाराज होना उसी का नतीजा है। आला हजरत नजरें झुकाए हुए कहने लगे अम्मी जान अगर धोखा शाह महज इसलिए नाराज हो गए कि मैंने मुस्तफा की सल्तनत के दलाई लिए
और उनकी नाराजगी के सबब मुस्तफा गिरा है तो ये एक मुस्तफा रजा है। अगर सौ भी गिर करके हलाक हो जाए अहमद रजा अपने कौल से पीछे नहीं हटे। तरद्दुद नहीं है, इस्तिखलाल बोल रहा है। और जबान से भी ये जुमले कहकर दरसगाह में दारुल इफ्ता में आए कि धोखा शाह वहां से वापस पलट कर आए। कहा अस्सलाम वालेकुम मौली साहब। कहा वालेकुम सलाम। कहा मौलाना बात तुम्हारी ही ठीक है। सुभान अल्लाह, ये इम्तहान था उस मुजद्दिद की इस्तकामत का, ये इम्तहान था उस कुतुबुल इरशाद की इस्तकामत का कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शफ़क़त पिदरी के जज्बे के तहत ये नर्म पड़ जाए, कहीं बाल बच्चों के लिए अपनी ज़बान के अंदर ये कोई नर्म पहलू इख्तियार कर जाए। इसे तो खंजरे खूंखार बनाना है। तो धोखा शाह खुद नहीं आए थे, गौसे आज़म ने भेजा था, जा मेरे नायब का इम्तहान ले ले और दुनिया को बता दे कि किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर।